आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयान के बाद अब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने अपने एक बयान में सीएम नीतीश कुमार को शिखंडी और नाइट गार्ड बता दिया। सुधाकर सिंह के इस बयान से जेडीयू नेता काफी नाराज हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तेजस्वी यादव को खुला पत्र लिख दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से साफ कह दिया कि ऐसे बयानों पर रोक लगाए। साथ ही ये भी कहा कि जिस नीतीश कुमार को आपके विधायक शिखंडी कह रहे हैं, उन्होंने ही जंगल राज का खात्मा कर मर्दानगी दिखाई है। उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर सुधाकर सिंह का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, तेजस्वी यादव जी जरा गौर से देखिए, सुनिए अपने एक माननीय विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। वे उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी, वो भी तब जब उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले लोग दाएं बाएं झांक लेते थे। ऐसे बयानों से प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता एवं वर्तमान जदयू और तत्कालीन समता पार्टी के उन हजारों कार्यकर्ताओं की भावना को चोट पहुंचती है जिन्होंने उस दौर में नीतीश कुमार का साथ और सहयोग दिया, कुर्बानी दी। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से आगे कहा, सुधाकर जी को बताइए कम से कम बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकाले जैसी मर्दानगी भरे कार्यों के लिए, तो नीतीश कुमार जी को बिहार का इतिहास निश्चित ही याद करेगा। अब आप ही बताइए, अब तक जनता के आशीर्वाद से राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड कायम करने वाले इतने बड़े नेता को कोई नाइट गार्ड कहे, ये बिहार की समस्त जनता का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे बयानों पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना श्रेयस्कर होगा गठबंधन के लिए और शायद आपके लिए भी। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि जेडीयू की इस तल्ख टिप्पणी का नतीजा क्या होता है।